मेरे हस्बैंड ने ये कुछ चीज़ें भेजी थी दुबई से, तो मैंने कहा चलो ओपनिंग करती हूँ और साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरवत नौरी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। आज हम इनको ओपन करते हैं और देखते हैं कि मुझे लग ये रहा है कि इसमें मेरी चीज़ें कम होगी और बच्चों की ज़्यादा होंगी। चलें देखते हैं। सबसे पहले इसको, इनको बाद में खोलते हैं, इनको नाइफ के साथ खोलना पड़ेगा। जो ओपन है उन्हीं को देखते हैं उन्हें क्या है। सबसे पहले ये यहाँ से फट भी गया है। ये वैसे जो ओपन है ना, इसको मैंने पहले देखा हुआ है तो मुझे वैसे ये अपर बहुत पसंद आई है। ये मेरे बेटे की है और ये शायद अमेरिका का ब्रांड है, लेकिन ना ये बनी इंडिया से हुई है। जैसे एडिडास है ना, एडिडास अक्सर पाकिस्तान से, इधर देखा था मैंने कहीं मेड इन इंडिया लिखा हुआ। हाँ ये देखिए, मेड इन इंडिया। और ये मैं ना थोड़ी बड़ी मंगवाती होती हूँ क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह अपनी एज से थोड़ा बड़ा लगता है, तो मुझे वैसे सबसे ये बहुत पसंद आई है। इसके साथ ये तो वैसे फट गया था, पहले ही फटा हुआ है, इसको साइड पे करते हैं। ये एक ट्राउज़र भेजा है। वैसे ना मुझे इस एडिडास बहुत पसंद है, उसकी वजह यह है कि ना इतना फ्लेक्सिबल ये होता है ना, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, किसी की भी एज के लिए हो ना, इसका जो फैब्रिक और जो भी चीज़ होती है ना। लेकिन ये है कि हम ना कह तो देते हैं कि बाहर की चीज़ अच्छी होती है, हम उतने पैसे पाकिस्तान में लगाए ना। तो ये देखें, ये 125 दिरहम का अब एक ट्राउज़र है। पाकिस्तान कितने बनते हैं, हम इतने हम मतलब 7-8 हज़ार में कभी भी एक ट्राउज़र बाई नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे 7-8 हज़ार का एक बच्चों का ट्राउज़र ही लेना है, हम पैसे उतने ना पाकिस्तान में लगाते नहीं है। मसला ये है, तो ऐवें कहते रहते हैं बाहर से चीज़ें अच्छी मिलती हैं, पाकिस्तान से भी मिलती हैं, बस पाकिस्तान में उतने पैसे लगा दें। एक ये ट्राउज़र है। अच्छा, इसके ट्राउज़र मुझे ना कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े लगे थे उससे। चलो ये है कि अब विंटर वैसे भी जनरी है तो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। ये फ्लेक्सिबल भी अच्छे हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसके साथ भी चल जाएगा। ये वाला ट्राउज़र जो है ना, एडिडास वाला, ये नॉटिका की शर्ट के साथ चल जाएगा। मुझे ये अपर बहुत अच्छी लगी है उसके साथ। ये एक समर है, ये कॉटन में है। और मुझे ना, मैं इसके कपड़े जो होते हैं ना, ज़्यादा कोशिश होती है कि इसके जो कपड़े हैं ना, मैं वहाँ से मंगवाऊँ। और जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं खुद भी वहाँ से इसके कपड़े स्पेशली लेके आती होती हूँ। वहाँ के स्टाफ और इसका स्टाफ चेक करें, ये समर की ली हुई है शर्ट, इतनी प्यारी शर्ट है ना। ये देखें इसका फैब्रिक, और जितना मर्जी पहनो ना, बहुत ज़बरदस्त होती है। ये हो गई ये साथ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये जो नॉटिका है ना, ये अमेरिका का ब्रांड है। थोड़े दिन पहले ना कुछ बेच रही थी तो उन्होंने बताया कि ये नॉटिका का कोट है और ये अमेरिका का ब्रांड है। मुझे तब पता चला, मुझे नहीं पता था वैसे। इसके बाद हम इनको ओपन करें, इन सब में क्या है। इसके बाद ये एक मिनट वो देखती हूँ उसमें क्या है। अच्छा, ये वाला देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये क्या है, ये जी मेरा नहीं है, मैंने कहा था ना ये मेरी नहीं होगी, ये ज़्यादा चीज़ें ना बच्चों की होंगी। ये चॉकलेट्स आई हैं, मेरा बेटा यही होता है चॉकलेट। और हर दफ़ा कोई बंदा आए, जहाँ से मर्जी आए, उसने अपनी वॉच लाजमी मंगवानी होती है और कहना आता है कि मुझे ना सिंपल वॉच नहीं चाहिए, मुझे अल्ट्रा वॉच भेजनी है। और मतलब अगली दफ़ा किसी आने से पहले ना, वो पिछले वाली जो वॉच होती है ना, वो जो है ना ख़त्म की होती है, मतलब उड़ा दी थी होती है उसने। उसके बाद मेरे ये शूज़ ने, अच्छा शूज़ का मुझे इतना ज़्यादा दुख है, मैंने ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ना रियल स्कीचर्स लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो मैंने तो भाई सही बात बताऊँ, मैंने पाकिस्तान में कभी भी 5,000 से ऊपर अभी तक जूता नहीं बाय किया है। लास्ट जो मेरी शूज़ की रेंज है ना, वो 5,000 या 5,500 तक चली जाऊँगी। लेकिन ये शूज़ ना, इसकी जो रियल प्राइस है ना, ये है 349 दिरहम। तो ये इस पर थोड़ा ऑफ लगा हुआ था, अब 209 के शायद मिले, लेकिन अब भी इसकी जो प्राइस है ना, तकरीबन 16,000 बनती है तकरीबन ना। और इसका दुख पता है मुझे क्या है, ये देखें, मैंने ना पाकिस्तान में मुझे आता है स्टाइल वगैरह का 40 नंबर, तो मैंने कहा मुझे 40 आता है, लेकिन मैंने दुबई से एक शूज़ पहले बाय किया था, उसमें 9 नंबर था, तो मैंने कहा 9 ले लें। मेरा हालांकि 9 ले कर भेजा है, यहाँ से शायद नज़र आ रहा हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी मेरे ये बड़ा है, मैं पहन के दिखाती हूँ। और मुझे इतना दुख है, दुख इस बात का है कि अगर कोई 2-4 हज़ार वाला शूज़ भी होता ना, तो फिर भी था। और ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, ये देखें, तो इतने साल ये चल जाना था और अब ये बड़ा है। मैं अच्छा, इन चीज़ों को हम करें साइड पर, ये जो हो गई इनको इनको। और
और इनको ओपन करते हैं, इनमें क्या है, फिर इसको ओपन करते हैं, ये भी रहता है, इसको करते हैं, रहता है। अच्छा मैं ना हुमायल के कपड़े रेड टैग और मैक्स से बहुत लेती हूँ, और एक और शॉप थी मुझे नहीं याद है मुझे अब उसका नाम, वो ना सिटी सेंटर के अंदर थी, उससे मैंने अपने बेटे के ना ईद का सूट लिया था, वहाँ से बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, अगर किसी ने लेने हो वहाँ पे कोई रहता हो या आप विजिट वगैरह पे जाती हो, लेकिन रेड टैग के भी अच्छे होते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं लेती होती हूँ मैक्स से, मैक्स के तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ मुझे ये है कि ये ना हो मैं सीज़र से कट करूँ और अंदर से ना कोई चीज़ ऐसी हो जो ख़राब ना हो जाए ना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक जगह से कट लगा के ना इसको ओपन कर लूँ। तो ये क्या क्या आ गया, मैं सब के जाऊँगी। अच्छा ये जो है ये मेरे बड़े बेटे की कैप है, और ये जो है न्यू कमिंग बेबी जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो उसके लिए ना अपकमिंग है तो उनके लिए भेजी है, ये रॉम्पर है। अच्छा इनका ना स्टाफ बहुत अच्छा है, चीज़ें तो पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, ये भी रेड टैग से लिया, 0 to 3 तक आ जाएगा, मतलब 3-0 से लेके ना 3 months तक आ जाएगा ये वाला, ये जो है छोटा है लेकिन ना फिर भी मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी फिर भी बड़ा है, छोटे है लेना ही पड़ेंगे चीज़ें। चलें देखते हैं, इसके बाद ये वाली रॉम्पर है। अच्छा मैं देखूंगी ये मेरे लिए क्या भेजा है, ये इसके साथ पेंटी है, ये तो आ जाएगा 0-0 साइज होगा, ये तो छोटा सा ना ये आ जाएगा, छोटे वाला ये इस रॉम्पर के साथ है। चलें ये तो हो जाएगा, और इसके बाद एक ये है, ये भी उन्हीं के लिए है, रेड टैग्स 9, ये छोटा, ये भी तकरीबन मुझे लगता है ये 6 months तक आएगा, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि ना मतलब नेक्स्ट जो कुछ कपड़े पूरे आ जाएंगे कुछ समर में आएंगे तब 3 to 4 months तक हो ही जाएंगे, तो ये एक ये है। अच्छा ये कितना क्यूट हुआ है। एक ये है और कुछ चीज़ें इधर भी हैं, ये ज़्यादा मुझे लगता है इन्होंने रेड टैग से लिए हैं, रेड टैग मैक्स के बहुत अच्छे होते हैं, ये एक ये है, कुछ चीज़ें इन्होंने वैसे भी ली हैं, ये भी कितना प्यारा है ना माशाल्लाह से, मम्मी प्लस डैडी। मम्मी और डैडी का कॉम्बो होता है ना। और इसके बाद ये है, अच्छा इसके ना मुझे वो पैटर्न भी अच्छा लगा है, नहीं तो मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड को ना चीज़ें लेनी नहीं इतनी आती होंगी। ये इसका भी पैटर्न बहुत अच्छा है, और ये देखें इसका सब, मतलब मुझे ना सबका ही, और ये देखें ये सबसे ही क्यूटू लग रहा है ये वाला ना, सबका ही अच्छा लग रहा है ये ना, और ग्रे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा इसको इनको तो करें साइड पर। अच्छा पता नहीं वीडियो सही नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ी सी नीचे को और कर दूँ, हाँ अब शायद सही नज़र आ रहा है, इनको साइड पे करूँ, ये हो गई चीज़ें। अच्छा एक ये, ऐसे रॉम्पर्स काफ़ी हैं, एक ये है, ओ ये तो बिल्कुल ही ना छोटे न्यू बॉर्न के, मतलब छोटे से बच्चे, मतलब पहले दिन से भी आप बना सकते हैं। एक ये है, इसके साथ ये पेंटी है, ये वाला हो गया, इसके साथ ये क्या है, ये क्या है, अच्छा हुडी टॉवल ना साथ, और यहाँ पे ना इसका जो बात का टॉवल होता है ना ये वाला नीचे, बच्चे को अगर आपने शावर छोटे बच्चे को दिलाना है समर में, और ये साथ में उसके ना हैंडी टॉवल है आपने की हुडी टॉवल। अच्छा ये फैब्रिक तो इसका भी अच्छा लगा मुझे, इसका ना कलर कम्बिनेशन भी, शुक्र है उन्होंने वाइट लिया है कोई और नहीं लिया, अच्छा लग रहा है। एक ये हो गया, अच्छा इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है ये। यू सो क्यूट। ये और ये और ये, अच्छा मुझे लग रहा है वो जो होता है ना बच्चे का क्या बोलते हैं उसे, अच्छा बेबी कॉट, उस पर हैंगिंग के लिए है मुझे तो यही लग रहा है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दे। क्या है मुझे वही लग रहे हैं कि ना जो बेबी की जो होती है ना उस पर हैंगिंग के लिए है।
ये चीजें हो गई। अच्छा ये भी एक है निकू निकू सी चीजें है। अच्छा ये इस तरह से है, उठे उठे हो जा। अच्छा ये हो गया, ये सारी चीजें। अब इस पैकेट को खोलते हैं, इसमें क्या है, क्या पता कोई मेरी चीज निकल लिया है। अच्छा ये देखा, ये शॉपर भी मैक्स का ही है, मैक्स। अच्छा मैक्स की चीजें भी, मैक्स और रेड टैग मैं ज्यादा इन्हीं से लेती हूँ। निकला निकला, खाली हो गया। अच्छा ये तो बहुत बड़ी लेके भेज दी है काफी बड़ी है, अगले साल आएगी 11 से 12 साल। हालांकि मेरा बेटा अभी है, कितने साल का है, 7 का पूरा होने वाला है, लेकिन ना उसके थोड़े मैं लेती होती हूँ, 9 से 10 साल। इस बार तो बहुत ही बड़े भेज दिए, 10 साल तक उसके लेती हूँ, फिर उसके सही पूरे आते हैं। ये मैक्स 11 से 12, चलो जो भी है ठीक है। ये भी शर्ट, अच्छा शर्ट्स ना ये बहुत वो होती हैं, कंफर्टेबल बहुत होती हैं, जितना मर्जी इनको पहन लेना। अच्छा इसमें मतलब इसमें सारे कपड़े हैं, और मेरा उस शॉपर में देखूं कुछ निकल आए तो। ये भी शर्ट मैक्स, मैक्स की चीज़, वाकई यकीन करो इनके जितना मर्जी पहन लेना, ये ख़राब नहीं होती हैं मैक्स के। थोड़ी प्राइस तो होती है, ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ जब आपने अच्छा लेना है तो पे तो थोड़ा सा करना पड़ता है। ये ना पैंट है और दूसरे स्टाइल में है जो होती है ना, लेकिन इस दफ़ा ना हुमायल की सारी चीज़ें बढ़िया आ गई हैं। ये पैंट है, ये ट्राउज़र है। अच्छा सुबह स्कूल जाने से पहले ना वो ना जिसके हाथ भेजना था ना, उनके घर से पता करके आया है कि आ गए अंकल, वो पास ही है उनका घर, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल से हो आओ तो आके ना ले लेना। तो ये भी ट्राउज़र, चलें जितनी ठंड है ना, बहुत ठंड है, तो पहले भी इसकी कुछ चीज़ें आई थी, तो कंफर्टेबल हो ना बच्चा पहन लेता है काफ़ी। ये ना इसका स्टफ ऐसा है कि ना थोड़ा अभी भी पहना जाएगा, ये देखें इसका स्टफ ऐसा है कि अभी भी पहना जाएगा, लेकिन 3-4 मंथ्स नेक्स्ट पहना जाएगा, और मे भी समर में भी, क्योंकि ये कॉटन था स्टफ होता है ना, तो मे भी समर में इसके साथ ना दूसरी शर्ट्स के साथ ये चल जाए। अब ये रह गया, इसमें देखूँ, इसमें देखूँ क्या आया है मेरे लिए। अब मेरे लिए जो चीज़ें आई होंगी ना, वो जो सियानो सियानो वाली चीज़ें नहीं होती, वो आई होंगी, वैसे मैंने देखी भी हुई है। एक शॉपर मैंने खोल के चेक भी किया था, ये दी, ये आई है 150 आई है मेरे लिए हैं। और इस शॉपर में क्या आया है, इस शॉपर में भी 150 है, और ये मैंने 150 ना खोल के चेक की थी कि कैसी है। वहाँ की ना 150 इसलिए मुझे अच्छी होती है कि वहाँ की ना एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ये देखें कितनी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। मेरा तो बस खून ही बुरा हो गया। ये इलायची, इलायची मैं हमेशा वहाँ से मंगवाती होती हूँ। और ये बादाम है, और क्या है, ये कैशू वगैरह। अच्छा मैं कहती हूँ भाई, उस बंदे की हिम्मत है या किसी का इतना सामान ले आया, नहीं तो यकीन करें जब आते हैं ना वहाँ से, खुद का इतना सामान होता है ना, बच्चों की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग, ये वो, कि ना किसी का कोई कह दे ना 1 kg मेरा ले जाओ, तो 1 kg भी सोच रहे होते हैं इस बंदे को, ना तो कर नहीं सकते, तो किस तरह से इसको ना हम। अच्छा मुझे ना छोटी की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी हैं। अच्छा मुझे ना किसी को पता हो तो इसका मुझे लाजमी बता दे कि ये वही है ना जो बेबी की जो कॉट होती है उसके ऊपर जो हैंगिंग करते हैं, ये वही चीज़ें हैं ना ये वाली। ये कौन सी आपकी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है, वो भी देख लो। ये आया एक तो, हाँ जी एक तो ये, हाँ जी ये तो, हाँ ये तो मेरी आ गई ना। और ये, आपने स्कूल का यूनिफॉर्म तक नहीं चेंज किया अभी,
हाँ जी हाँ। और ये खाने की चीजें भेजी हैं, ये आपकी एक शर्ट है अल्ट्रा वाच नहीं भेजी बाबा ने, नहीं बाबा कहते कोई वाच वूच नहीं, हर बार इसकी वाच आए। अच्छा बाबा कह रहे हैं वाच भेजने का मुझे याद भूल गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपकी वाच भेज दूंगा। हाँ जी याद भूल गया है ना सच्ची नहीं, 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 नहीं सच में हुमायूं नहीं करो, कहीं नहीं रखी हुमायूं नहीं करो, देख लो वो सारा बालू बुलू बेचारे क्या कर दिए। अब किधर जा रहे हो, ढूंढ लो जितना मर्जी नहीं मिलेगा कुछ भी। ये तौलिया किसके है, ये छोटे बेबी के हैं, बेबी आपके भी चीजें भेजी हैं। ओ झूठ झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ। पापा से मैसेज क्या करना है, नहीं कुछ नहीं आगा, वो जो आपने चीजें खराब की ना पहले तो वो सही करके आ, बालू बुलू सारा कुछ सही करके आ, चलो जो भी नहीं सही करके आ पहले चल। आते चॉकलेट खाने की पड़ गई है, ये नहीं कि जो चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी है मम्मा साथ वो सही करवा लूँ। एक चॉकलेट मुझे भी दे दे, दे देना एक चॉकलेट है, अगर नहीं ना दी मैं बात नहीं करूंगी आपसे। चल ठीक है याद रखेंगे का। अब मैं ना कपड़ों को अलग अलग कर लूँ, छोटे अलग कर लूँ बड़े वाले अलग कर लूँ। तो अच्छा मैं व्लॉग, मैंने कहा ना मैं व्लॉग बस इसलिए बनाती हूँ कि चलो, क्योंकि ना पता जब आपकी थोड़ी तबीयत ना ठीक हो ना तो आपको, जैसे मेरा माइंड नहीं है कि मैं ना व्लॉगिंग करूँ, या क्योंकि लोगों को ना कोई यूज़फुल चाहिए होता है आपके कंटेंट से, तो व्लॉगिंग मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही हैं जो जिनकी व्लॉगिंग को लोग देखते हैं, जिनको लगता है कि ना, तो ज़्यादा लोगों को यही होता है कि किसी के पास इतना टाइम है भी नहीं कि किसी के व्लॉग देखे, तो मुझे भी यही होता है कि ना व्लॉग ना डाला करूं, तो कोई प्रॉपर कंटेंट ना, कभी एक सर्दी बहुत है, एक कभी तबीयत भी नहीं सही होती तो नहीं डाला जा रहा, तो कभी डाल भी देती हूँ तो इंशाल्लाह मैं ना बस थोड़ा टाइम है बस, अल्लाह दुआ करें बस, तो उसके बाद इंशाल्लाह से प्रॉपर मैं ना जो भी मेरा माइंड है उस हिसाब से ही ना मेरी वीडियोस हुआ करेंगी इंशाल्लाह से। लेकिन मैं वीडियोस इसलिए कभी व्लॉग भी कभी, मेरे व्लॉग बहुत कम है, व्लॉग में इसलिए डाल देती होती हूँ कि चलो कभी कुछ भी ना करने से चलो आप ना अपने व्यूअर जो होते हैं ना उनसे थोड़ा सा टच में रहते हैं। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। ओके जी अल्लाह हाफिज़, और ना बताइएगा कि ना ये वाला व्लॉग कैसा रहा मेरा, अल्लाह हाफिज़।